छत्तीसगढ़ झारखंड के सीमावर्ती जिले छत्तीसगढ़ प्रदेश के जशपुर जिले में इन दिनों पत्थलगड़ी आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है आदिवासियों के संवैधानिक पत्थलगड़ी को ईसाई मिशनरी, नक्सलवाद एवं धर्मांतरण जैसे मुद्दों से जोड़ते हुए एक सद्भावना रैली निकालकर आदिवासियों के संवैधानिक पत्थलगड़ी को भड़काऊ भाषण देते हुए तोड़ दिया गया, जिससे आदिवासी नाराज हो गए। आपको बता दें कि जिन लोगों ने पत्थलगड़ी को तोड़ा उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय आदिवासियों को ही टारगेट करते हुए सरकार ने जेल में डाल दिया। अभी तक जानकारी के अनुसार 5 आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया है एवं 45 आदिवासियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि जशपुर जिले के बगीचा बटुंगा क्षेत्र में जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने ही पत्थलगड़ी आंदोलन का उद्घाटन किया था, लेकिन सरकार जो है इसे असंवैधानिक करार देते हुए संविधान की गलत व्याख्या बताते हुए पत्थलगड़ी आंदोलन को कुचलने में लगी हुई। वहीं इस कार्रवाई से नाराज होकर आदिवासी समाज जो है वो एक बैठक कर सरकार को चेतावनी दी है कि 15 मई तक अगर सरकार जो है सारे आदिवासियों को रिहा नहीं करती है जो गिरफ्तार किए गए हैं, तो सर्व आदिवासी समाज जो है छत्तीसगढ़ के हर एक गांव में जो है पत्थलगड़ी आंदोलन करेगा एवं 15 मई को जेल भरो आंदोलन चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करेगा। आपको बता दें कि आदिवासियों का पत्थलगड़ी आंदोलन संवैधानिक एक सांस्कृतिक रूप है, जिसको सरकार जो है ईसाई मशीनरी से जोड़ते हुए तोड़ने मरोड़ने में लगी हुई है।